बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताई गई नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। मैं हूं हकीम एम वासिल, आपका दोस्त देहरादून उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं लुकमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, मैंने अब तक आपके सामने मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, नपुंसकता का इलाज और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज पेश किया है। लगभग 15 से ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन एक इंतहाई खामोश टॉपिक जिस पर लोग कम ही बात करते हैं और उस पर ध्यान भी कम जाता है, और हमारे नौजवान, हमारे दोस्त बहुत तेज़ी से उसमें फंसते जा रहे हैं, वो है सिगरेट पीना। शुरू शुरू में सिगरेट एक शौक के तौर पर भी जाती है, लेकिन वो हमारी आदत बन जाती है और हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो जाता है। सिगरेट पीने से दिल के रोग पैदा हो जाते हैं, घातक रोग पैदा होते हैं, और फेफड़ों में सरतान, कैंसर पैदा हो जाता है। ऐसे ही निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है, लीवर पे भी उसका इफ़ेक्ट होता है और दाढ़ दांतों में भी उसके नुकसान होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो आदमी सिगरेट पीता है वो 15 साल दुनिया से पहले चला जाता है, उसकी उम्र 15 साल लोगों से कम होती है, इसलिए कि एक सिगरेट में 4000 से ज़्यादा नुकसान देने वाले तत्व मौजूद हैं। इसलिए सिगरेट को छोड़ना ही हमारे लिए बेहतर होगा। हम अपने बच्चों की अगर ज़िंदगी चाहते हैं, उन्हें तंदुरुस्त और तवाना और ताकतवर देखना चाहते हैं, तो उन्हें सिगरेट से बचाना होगा। मैं सिगरेट छुड़ाने के लिए और बहुत सारे नशे छुड़ाने के लिए एक प्योर घरेलू नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बादाम, दालचीनी, सौंफ 50-50 ग्राम लें और 20 ग्राम इसमें चीनी डालें और इसका एक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद में एक चम्मच सुबह, दोपहर, शाम चाय वाला छोटा चम्मच इसका इस्तेमाल करना है हल्के गर्म दूध से। अगर आप घर पे हैं तो दूध से इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप घर के बाहर हैं तो इसे पानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको इसमें चीनी नहीं मिलानी है, वो बादाम, दालचीनी और सौंफ का पाउडर खाएँगे। देखते ही देखते लगभग एक महीना आप इस्तेमाल करेंगे तो ये सिगरेट की आदत आपकी छूट जाएगी और बहुत सारे नशे भी इस नुस्खे से छूट जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आसान सा नुस्खा आपकी समझ में आ गया होगा और आप जो हैं पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें अपने नौजवानों को कैसे बचाना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसलिए कि इस पे वो बातें आपको ज़रूर मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिल सकती। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान ज़िंदाबाद।